वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब तक पिछले वीडियो हमने देखा कि बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, ब्लो डाउन रेट क्या होता है, या कितने घंटे एक घंटे में या 4 घंटे हमें कितना ब्लो डाउन देना चाहिए, ब्लो डाउन परसेंट क्या होता है, पिछली वीडियो हम लोगों ने सीख चुका है। अगर आपको देखना है वीडियो तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो देख सकते हैं। बॉयलर से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपके बॉयलर में प्रेशर 8 kg, 9 kg, 10 kg या 20 kg प्रेशर दिखा रहा है तो स्टीम का टेम्परेचर क्या होगा। और अगला इस तरफ, अगर आपके टेम्परेचर पता है तो आपके बॉयलर का प्रेशर क्या होगा। तो दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। पहला जो है, हम बॉयलर के अंदर प्रेशर कितना है उससे स्टीम का टेम्परेचर कितना है यह जानेंगे, और दूसरे फॉर्मूले से हम यह पता करेंगे कि अगर टेम्परेचर स्टीम का दिखा रहा है तो बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर रहेगा ही रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे बॉयलर के अंदर कितना भी केजी आप प्रेशर ले सकते हैं, यहाँ जैसे 1 kg, 2 kg, 1.5, 2.5, 3.5, 3.6, 3.7, कुछ भी ले सकते हैं आप, जितने की वैल्यू चाहिए आप उसे निकाल सकते हैं। खाली क्या करना होगा, आपको यहाँ प्रेशर लेना होगा जिसका चौथा मूल निकालना होगा, जिसे कहते हैं फोर्थ रूट, फिर गुणा 100 कर देंगे तो आपको स्टीम का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। चलिए जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे बॉयलर के अंदर 9 किलो प्रेशर है तो क्या करेंगे। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता तो वर्गमूल की बहुत सारी वीडियो हैं, आप उसे देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप मोबाइल से निकालना चाहते हैं या कैलकुलेटर से निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कीजिए, अपने कैलकुलेटर में जाइए मोबाइल के, उसमें एक बार शर्ट का बटन क्लिक कीजिए, फिर एक बार और क्लिक कीजिए, 2 बार हो जाएगा। फिर उसके अंदर प्रेशर अब आपको लिखना है, 2 बार आपको एक टिक करना है, एक बार फिर दूसरी बार, फिर करणी का सिंबल है जो सर्ड कहा जाता है इसे, फिर उसमें प्रेशर आपको कितना है बॉयलर के अंदर, ये पी जो लिखा गया है बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर है आपका दिखा रहा है। मान लीजिए आपके बॉयलर के अंदर प्रेशर 9 kg है तो आप इसका जो ओके का बराबर का जब अपने मोबाइल कैल्सियम ओके करेंगे तो इसका आंसर आता है, ये 100 लिख देते हैं पहले, 1.73, और भी कुछ नंबर आएंगे है ना, into 100। तो आप इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम खाली 2 ही अंक लेंगे इसके, क्योंकि 9 का वर्गमूल जो होगा 3 होगा, 3 का वर्गमूल जो लिखेंगे 1.7। अगर आप मोबाइल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि 2 बार इसको क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद जितने भी केजी का आपको प्रेशर चाहिए, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 100, जितने भी केजी प्रेशर का आपको चाहिए वैल्यू रखिएगा, आपको जो आंसर आएगा उसको 100 से गुणा कर देने का। हाँ, पॉइंट के बाद ध्यान रखना है कि 2 ही डिजिट लेना, ज़्यादा की अपनी ज़रूरत नहीं, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट मान्य होता है। तो 173 से, क्योंकि पॉइंट के बाद ये नंबर भाग रहा है, इसका वैल्यू जो है 173 से 174 तक हम मान सकते हैं डिग्री सेल्सियस जो होगा आपके स्टीम का टेम्परेचर होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमारा स्टीम का प्रेशर निकालना हो, अगर आपका टेम्परेचर दिया गया हो, जैसे अभी आपके स्टीम का टेम्परेचर जो है कुछ भी हो सकता है, 120, 140 जो भी हो, हमारा 120 केजी, सॉरी 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर लिख देता हूँ, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसे भागा 100 कर दीजिए, लिख दीजिए। तो आपका टेम्परेचर जो है टेम्परेचर गेज पे दिखा रहा है, उसे पता करना है आपको आपके बॉयलर का या लाइन में आप जहाँ से स्टीम आ रही है उसका प्रेशर कितना होगा। अगर आपका टेम्परेचर गेज काम कर रहा है और उसे स्टीम का प्रेशर पता करना है कितना केजी आ रहा है, स्टीम का प्रेशर आपको तो केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में मिलेगा। तो मान लीजिए हमारा जो टेम्परेचर है 100 हो रहा है, हमें 120 डिग्री 100 हो रहा है, और यहाँ 100 दिया और उसका चौथा घात निकालना है, इसको क्या करना है, 120 120 120 4 बार हमें लिखना है,
120 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो इसमें हमारे यहाँ प्रेशर कितना होगा? 100। इसको भी चार ही बार लिखना होगा। इसका अभी जीरो कैंसिल हो सकते हैं तो कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, क्योंकि चार जीरो कैंसिल हो गए तो कितना हुआ? 12 × 12 करोगे 144, फिर ये 12 × 12 करोगे तो 144 बटे ये कितना आ जाएगा? 100 × 100 ये हो जाएगा 10,000। अब हम लोग 144 × 144 कर लेते हैं। एक मिनट, कैलसी किधर है? हमारा आंसर जो आता है आप देख लीजिए, 20736। 20736 डिवाइडेड बाय 4। हम इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 2.0736। लगभग आपका जो स्टीम का, ये तो हम लेंगे नहीं, स्टीम का जो प्रेशर है, स्टीम प्रेशर जो आएगा लगभग 2 kg आपके बॉयलर के अंदर प्रेशर होगा, या आपके जो लाइन है स्टीम की उसमें 2 kg प्रेशर होगा, जिसका टेम्परेचर जो है 120 डिग्री सेल्सियस आपको दिखा रहा है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कट कर।